आप जो जो टीम पॉइंट्स भाई जिन्होंने जिस जिस टीम को पॉइंट्स मिलेंगे उसने अपनी बीट पे आके डांस करना है। जैसा कि जरा इस्लामाबाद की बीट बजाइए। हाँ बजाइए, चलो चलो ये देखिए बजाएं, देखिएगा आप लोग इस्लामाबाद की, इस्लामाबाद की। यार तुम इतना अच्छा तो कर रहे थे यार, आप जो ना मैं अपनी नई, मैं अपनी अगली फिल्म के लिए इसके स्टेप्स जो है फॉलो कर रहा हूं। ये तो देखो, ये तो बिलाल ने इसी चीज की तैयारी की है, गेम की तैयारी। ओ भाई अभी आगे और भी गेम है बसित भाई, आप जो ना होले रखो, होले अभी और भी गेम, होले रखो, क्या होले रखो, सबर करो, सबर करो, सबर रखो ना, ऐसे बोलो यार। लेकिन बात से सही कह रहा, तुमने तो सिर्फ बालों में टाइम लगा दिया यार, डांस करना आता है तुम्हें। अभी और भी गेम बाकी ही चल रहा है हमारा, डांस तो नहीं चाहिए, डांस तो नहीं चाहिए, नहीं ये है तो इसका अपना कोई स्टाइल है ये। नहीं नहीं उसके, अच्छा उसका कोई कॉपी करके दिखाया ये कोई, तुम करके दिखाओ, गलत चीजें हम लोग नहीं करते, आपके फील्ड में जाके आपने डांस करना है भाई, आप जीत गए भाई, इस लेवल तक हम नहीं कर सकते, नहीं किसी भी लेवल तक करो, करो ऐसा ना। आप आ रहे हम लोग बेफिक्र, बताइए आ रहे अभी हेड टेस, जीत गए जी टॉस, एहसन जीत गए टॉस। अब एहसन को चूज करने के लिए पूरी 9 पोटियां मिलेंगी, आप लोग जाएंगे अंदर, अकेला कार में भेज रहे हैं, नहीं, नहीं जाएंगे, तीनों जाएंगे, साथ जाएंगे, करो एक 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 के बाद एक, जाना अकेले हो, अरे क्या चाहती हो आप, चाहती आइए जल्दी से, पहले बारी इस्लामाबाद इगज के लोग टॉस जीते, ये घर आपका इंतजार कर रहे हैं। कैप्टन पहले अंदर जाएंगे, बोल जा सिम सिम, बोल जा सिम सिम। 9 पोटलियां हैं, कोई भी एक पोटली आप ला सकते हैं सर। तुमने क्या करना है, कोपड़ी पहन के जाना है तुमने। जाइए जी आपकी बारी है, कोई भी एक पोटली जाइए, तू आपकी बारी है। दो चार, लास्ट टाइम भी यही किया था, दो चार छह, हाँ लास्ट टाइम भी यही थे, दो चार छह इवन नंबर से, आपकी मर्जी है जी। इतना टाइम क्यों लगा लिया, मुझसे पूछ रही है ना, इनकी कोऑर्डिनेशन चल रही है भाई आपस में। नहीं नहीं हम तीनों, मैं टीम के बगैर नहीं चलता दानिश, आप जानते हैं बिल्कुल सही है, क्या लाइन है। अच्छा एक बात है दानिश, दो चार साथ, पता है मसला क्या है, देखो दानिश हम लोग तो योर ऑन माशाल्लाह गेम शो भी कर रहे हो, हम लोग और शोज भी कर रहे हैं, ये जो पार्टिसिपेंट है ना हमारे, ये पहली बार इनको साथ लेके चलना, ये इन लोगों का गेम है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बेहतरीन। ये हमारे पार्टिसिपेंट्स जो वो कह रहे हैं कि जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सारे, असल गेम जो है वो यही है कि इनको साथ लेके चला जाए, इनको हाइप मिलनी चाहिए। हम तो और भी जगह काम कर रहे होते हैं लेकिन ये प्लेटफॉर्म स्पेशली इन बच्चों के लिए दिया गया, बिल्कुल इनका ही है। आइए मारिए जी आपकी बारी है, आइए कोई भी 3 पोटलियां जी, बोल जा सिम सिम, बोल जा सिम सिम, बोल जा सिम सिम, कोई भी एक पोटली ले आइए। क्या हो तुम, खेलना है नहीं खेलना आज, सबसे ये तो कोई गेम है खेलने वाला ही है, ये तो मैं खेल रहा हूँ, ये तो मैं खेल रहा हूँ। अब पूछे कहेगा मेरा लकी नंबर तो ले गया कोई और, आएगा तुम्हारा लकी नंबर, मेरे जैसे बाल बना के आ गए हो, मारे मोबाइल भी क्या चेक कर रही हो, फाल निकलवाइए, आ जाओ जाता क्या? लकी नंबर ढूंढ रही हो मोबाइल? नहीं अब तो हो ही नहीं सकता, लेकिन मेरा मतलब है अब मैसेज चेक कर लूं। अच्छा जी, ये सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट गेम होता है हमारे मैच का, क्योंकि इस गेम के होते हैं पूरे 3 पॉइंट्स जो किसी एक टीम के पास जाते हैं, तीनों की पोटलियां आपस में कैलकुलेट की जाती हैं, सम अप की जाती हैं, और जिसका अमाउंट ज्यादा निकलता है वो टीम जीतती है यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आज भी वैसा ही होगा, सबसे पहले चूंकि बिलाल अभी तक कोई गेम नहीं खेल सके हैं तो ये गेम मैं इन्हीं के साथ खेलूं। अरे ले आए, और बिलाल लाए थे 6 नंबर अपने लिए, बिलाल ये 6 नंबर तुम्हारा लकी नंबर था? फिर मैं अपने लकी नंबर पे बिलीव नहीं करता, क्यों? मैं दूसरों के लकी नंबर पे बिलीव करता और खास तौर पे अगर वो फोन नंबर हो किसी का। हाँ ऐसा है, फोन नंबर याद रहते हैं तुम्हें सबके? फोन नंबर याद रहते हैं तुम्हें? नहीं नहीं किसी का याद नहीं रहता है, तो अक्सर तुम्हारा रात में फोन बिजी क्यों जा रहा होता है? नहीं वो तुम्हारा दोस्त है, वो कहता है ये मेरा दोस्त है, झूठ उसने ऑन स्क्रीन तो मुझे
पता नहीं क्या क्या बोला है। नहीं तू ऑन स्क्रीन क्या बोले, तुम्हें 1 करोड़ रुपए तुम्हें दे दे वो भाई, वो तो गेम है यार। चैंपियंस के फाइनलिस्ट हैं दोनों, चैंपियंस का फाइनल अभी हुआ नहीं है, इन दोनों में से किसी एक के पास करोड़ रुपए जाने, तो ऑब्वियस सी बात है यार, गेम तो गेम की तरह खेलेंगे। बना के रखते हैं ना, बना के मारिया बहुत जरूरी है। इसका नंबर ले लेते हैं। ये अच्छी बात है। चलिए जी, आज की पहली पोटली है इस्लामाबाद ईगल्स के बिलाल अपने लिए लेकर आए थे नंबर 6, या मैं यूं कहूं ये सिर्फ इस्लामाबाद के लिए लेकर आए हैं नंबर 6, क्योंकि आपने खुद कह दिया है कि आपका लकी नंबर 6 नहीं है। अच्छा एक बात दानिश, एक जी, जी मुझे जी, लगता है इस पोटली वाली जैसे वो ब्रीफकेस की लास्ट गेम होती है, इसमें भी लक जो टॉस जीतता है उसके साथ ज्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, तो ये थोड़ा बिल्कुल, मैं तो हमेशा कहता हूं कि इस गेम के अंदर टॉस बहुत क्रूशियल है, जीतना, जो जीतता है उसको चूज करने के लिए 9 पोटलियां मिलती हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो है तो आपकी लक ही कि आप क्या उठा के ला रहे हो उसमें से, लेकिन फिर भी चॉइस बढ़ जाती है। चलिए, इनके पास चॉइस कम थी, ये लेकर आए अपने लिए 6 नंबर पोटली। मैं नहीं जानता कि क्यों क्यों ले आए। जो हाथ में ले आए, तो हाथ में तो तुम्हारी ये भी आ जाती है, हाथ में तो ये भी आ जाती है, तो माशाल्लाह माशाल्लाह काफी बड़े हाथ हैं। 4 नंबर तो वो ले गए मेरा, ये लतीजा माइक नहीं ले जाना बिलाल, नजर है कि 4 नंबर कौन लेकर गया, बासित, बासित लेकर चला गया 4 नंबर। तो तुम्हें लगता है तुम्हारा जो लकी नंबर था वो इस वक्त बासित के पास है। अच्छा, अब जो कुछ निकला 4 नंबर में वो तुम्हारी किस्मत का था। हाँ। अच्छा था लेकिन है नहीं। हाँ, अब है नहीं, ये बात है। अब जो तुम्हारी किस्मत में निकला है वो मैं तुम्हें बताता हूँ, जो कुछ तुमने अभी तक इस्लामाबाद ईगल्स के लिए जमा किया है वो है पकौड़े नहीं 2 लाख रुपए। ओ 2 लाख पकौड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आज। अच्छा एक और काम हो सकता है, अगर ये कहे कि बासित की पोटली ज्यादा बेहतर है तो क्या हम एक्सचेंज कर सकते हैं यहाँ पे कोई पोटलियाँ? अगर करना चाहे तो कर सकते हैं इन दोनों पोटलियों से। हाँ बिलाल बोलो, बासित चेंज कर ले, बासित बिलाल की तो नहीं, क्योंकि बिलाल की तो ओपन हो गई, 2 लाख रुपए निकले। लेकिन अच्छा उनमें से हो सकता है बासित बात बेहतर हो तो बिलाल के पास चला जाएगा, ये हम ले सकते हैं वो। हाँ बोलो, अब तो नहीं लगता मुझे, अब तो खुल गया है, तो नहीं कुछ हो रहा है। मैं वो ऑप्शन दे रहे हैं, बहुत अच्छा, देखो इतना बड़ा दिल, अगर तुम बोलोगे ये 2 लाख रुपए मैं ले लूंगा, वो पोल्टी तुम्हें दे दूंगा, अब उसमें जो निकले तुम्हारी किस्मत, उसमें अगर माइनस है 0 है, कैप्टन से पूछ रहे हैं माइनस हुआ 0 हुआ, बिलाल को डिसाइड करना, बिलाल को, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, हाँ कर लो, हाँ चले कर ले, ये 2 लाख रुपए इनको दे दूं मैं, हाँ दे दे, पक्की बात है, इसका ये माइनस होगा उधर से, और ये आप लोगों के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा। नहीं नहीं, अगर उसके अंदर कुछ पकौड़े तो उनका ही होगा। नहीं 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 पकौड़े तुम्हारे, नहीं 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 नहीं, ये क्या बात हुई, पकौड़े तुमका होगे, ये क्या बात हुई, मुझे लग रहा है उसमें पकौड़े, इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ यार। नहीं नहीं, फिर ये तो डीए से ठीक है भाई, पक्की बात है, 2 लाख सोच लो बिलाल। चलो बिलाल ने कम पे इक्तफा कर लिया है, सही है जी, सही है, मान गए 2 लाख रुपए, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा था, हम तो तैयार थे देने। हाँ इन्होंने, ये बड़ी बात है वैसे, इन्होंने कहा ये 2 लाख मैं रखता हूँ, ये 4 नंबर पोटली खुली नहीं है, तुम ले लो, लेकिन तुमने कहा लहोरियों के दिल बड़े होते हैं। नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं, पहले होगा, पहले होगा, अगर तुम मुझे पहले बोलोगे तो मैं, अब तो हो गया, अब गुजर गया, एक मिनट कह रहे एक्सचेंज कर ले, कर लूं, कर लो, कर ले, कर ले, पहले वक्त गुजर गया, चलो चलो, ये बिलाल की दोस्ती की खातिर, बिलाल की दोस्ती की खातिर ये पकौड़ी मैं नहीं दूंगा, पकौड़े चाहिए, वो कह रहे अब नहीं, ये कह रहे अब नहीं, जो कर लो कर लो, अब नहीं अब नहीं, चाहिए बिलाल, चाहिए, हाँ दे दो, एक बार उस तरह डांस करके दिखाओ, क्या क्या, एक बार डांस करके दिखाओ, कोई बात ही नहीं हुई ना यार, दे दूंगा मैं कुर्बानी, तो टीम के जीतने के लिए डांस करके दिखाया, कुर्बानी जो भी किया था इसने, जो भी किया था, जब तक है जो इसका स्टेप है सिग्नेचर स्टेप, नाच 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 के दिखा, अंदर कुछ खास नहीं हुआ, थोड़ा सा डांस कर लो बिलाल, खास नहीं हुआ तो क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आ जाओ आ जाओ, पॉइंट चाहिए ना भाई, वो पॉइंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है, पॉइंट्स के लिए कुछ भी कर सकता है यार, टाइम पाया, लेकिन छोड़ो यार, नहीं यार नाचो नाचो, चलो ये बिलाल के 2 लाख रुपए जमा हो गए हैं इस्लामाबाद अकाउंट्स के अकाउंट में, ठीक है जी, अब मैं पोटली खोलूंगा अब्दुल बासित की, लाइए जी, ये वही पोटली है जिसपे बिलाल की नजर थी, और ऐसा ने ऑप्शन दिया था कि अगर आप चाहें तो ये पोटली मैं एक्सचेंज कर सकता हूं इन 2 लाख रुपयों के एवज, लेकिन बिलाल ने कहा नहीं, फिर बाद में कहने लगे हाँ कर लेते हैं, लेकिन इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन सकी, इस वजह से ये पोटली अब इनकी कस्टडी में ही है। 4 नंबर पोटली अब्दुल बासित टीम लाहौर लेपर्ड्स के लिए लेकर आए, और मुझे लग रहा है अच्छा अच्छा वो मैंने एक्सचेंज नहीं किया, ये तो तुम्हें बताएगा,
यही लग रहा है, बताया मुझे भी यही लग रहा था पकौड़े तो। इन दोनों में से एक बंदा माइनस होगा इसमें, एक स्टूपिड सा डिसीजन लेने वाला था और दूसरा बंदा बच गया। हाँ जाहिर है 2,00,000 रुपए ऑलरेडी तुम कमा चुके थे। अगर इसमें माइनस हो जाता, या माइनस है इसमें, तो तुम बहुत ही स्टूपिड डिसीजन ले लेते आज। लेकिन तुमने नहीं लिया, लेकिन तुमने नहीं लिया। अब मैं आपको बताता हूं, ये चार नंबर अगर बिलाल तुम्हारे पास आता, मारिया मारिया की फूके चेक करें जरा, ये देखिए ये मारियम यहां से यार क्या लेके जाने वाले हैं। मारिया अब मरे मारिया पे ये देखो, ये मारिया क्या बस फूके मार रही है ना, मारिया नजर ही नहीं आ रही, मारिया मारिया का शॉट नहीं है, मारिया नहीं दिखाई दे रही यार, पहुंची ही नहीं मेरी फूके तक। चलिए जी, चार नंबर अब्दुल बासित लेकर आए थे, 2,00,000 रुपए निकले हैं इस्लामाबादी गर्ल्स की पोटली में, लेकिन आज अब्दुल बासित की लक बहुत ऊंची है, 6,00,000 रुपए। ओ बिलाल, 6,00,000 रुपए और क्या किया तुमने बिलाल, खोला था हमने। अगर आज तुम थोड़ा सा डांस कर लेते, 6,00,000 रुपए चले गए थे आज। चलो कोई बात नहीं, उसकी वैसे तो बात बात आज करता है लाहौर लेपर्ड्स बहुत बड़े दिल से खेल रहे हैं, ये बात माननी पड़ेगी। इन्होंने 6,00,000 रुपए की ऑफर दी है तुम्हें, 2,00,000 रुपए ले रहे थे ये, तुमने खुद बोला कि नहीं चाहिए। मेरी मेहनत की कमाई के 2,00,000 भी बहुत है। अच्छा, जो मेरे साथ होगी इसी में गुजारा करेगी। मैं 2,00,000 रुपए कमाऊंगा बाबूजी, बाबूजी 2,00,000 रुपए कमा के लाऊंगा बाबूजी। लाइए भाई जल्दी से, अब दूसरी पोटली खुलेगी। नंबर एक जो शाहताज लेकर आई है, याद रहे लाहौर लेपर्स ने पहली ही पोटली में छक्का मारा है और 6,00,000 रुपए निकले हैं इनकी पोटली में। वहीं पर इस्लामाबाद ईगल्स 2,00,000 रुपयों के साथ काफी पीछे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी पोटली बताएगी कि कौन कितना आगे है और कौन कितना पीछे। अच्छा जी, 6,00,000 रुपए एक बड़ी रकम थी जो निकल गई, 7,00,000 बच गए, 10,00,000 बच गए, 1,00,000 बच गए, जीरो रह गया और जो माइनस रह गया वो दानिश, माइनस 4,00,000 रह गए, पकौड़े कहाँ गए, तुबा डक रह गई है और डक रह गई, पकौड़े भी हैं, थम भी रह गया है। शाताज आप लेकर आई पोटली नंबर एक, ये एक नंबर आपका लकी नंबर है? नहीं मेरा लकी नंबर नहीं। अच्छा, इसी वजह से लकी नंबर क्या है शाताज? 3 किसके पास है? जिसमें 10,00,000 निकले वो मेरा लकी नंबर है, जो भी है, व्हाटएवर। 3 है ही नहीं किसी के पास, किसी के पास 3 है अंदर से। अच्छा, तुम खुद लेकर नहीं आई? खुद लेकर नहीं आई। अच्छा, मुझे मुझे ऐसे लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छा ही है दानिश, अभी बताता हूँ। एक तो दानिश बहुत सस्पेंस क्रिएट करता है यार, जब 3 नंबर आपका लकी नंबर था तो फिर आप एक नंबर क्यों लेकर आए? कभी कभी लक नहीं काम करता इसलिए। कभी कभी नहीं करता ना, लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ लक वाकई काम कर रहा होता है। शाताज आपको आज 3 नंबर ही लेके आना चाहिए था, जीरो है इसमें। ये जो जीरो है, अगर आप इसको बाल के सामने लगाते जाएं और जीरो जीरो जीरो, तो 10,00,000 बन जाता है। कितनी वैल्यू है इसकी? लेकिन इस वक्त इसकी कोई वैल्यू नहीं रही है। लगा लेते हैं ना हम अपने दो पोटलियों ने 2,00,000 रुपए जमा किए हैं, या एक पोटली भारी है 6,00,000 रुपए के साथ। 20,00,000 ये देखो, 20,00,000 का तो अमाउंट ही नहीं है हमारे पास। चलो भाई लाइए तूबा की पोटली लेकर आइए जल्दी से। अच्छा, तूबा लाई थी दानिश, सोच रहा था कि तूबा और क्या नाम है शाताज का जो ये चेंज करा, मुझे अपनी टीम के ऐसे को नाम याद नहीं होते, एक्चुअली याद नहीं होते, एक्चुअली याद नहीं होते, एक्चुअली मेरा ये इशू है। अच्छा, आई एम ऑल्सो वेरी बैड विद नेम्स, के मसले हुए होंगे ना, नाम जो याद नहीं रहते हैं ना, बहुत नाम भूल जाता हूं, इसलिए बस डार्लिंग कहा करो बस। या ये सही है, माय डियर, माय डियर, डार्लिंग, लेकिन मेरा नाम तुम्हें याद है। अच्छा, क्या कह रहे थे आप शाताज का, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि मैं ये ऑप्शन फिर देने लगा था, क्योंकि मुझे लगा कि शाताज के पास अगर जीरो भी हुआ तो हमारे पास माइनस था, तो आई वाज गोना गिव एन ऑप्शन कि वो अगर तूबा से चेंज कराना चाहे। आपने दिया क्यों नहीं? बस वो कहते कहते वो फिर खुल गया, तो इसलिए मैंने कहा अब जीरो है तो शायद। चलिए, अभी 7 नंबर की पोटली है जो कि तूबा लेकर आई है लाहौर लेपर्ड्स के लिए। याद रहे 6,00,000 रुपए ऑलरेडी आपके अकाउंट में पड़े हैं, बस दुआ ये कीजिए कि कोई माइनस ना निकले आप लोगों का। जीरो भी निकलता है तब भी आप लोग आ गए। मैं जल्दी से 7 नंबर ओपन करता हूँ, ये 7 नंबर मेरा भी लकी नंबर नहीं है। वैसे मेरा तो लकी नंबर है सर, मेरा तो है 7 नंबर लकी, साथ साथ एहसन का भी है और तूबा का भी 7 नंबर लकी है। लेकिन वही वाली बात कि जो लकी नंबर्स होते हैं वो हर रोज आपके लिए लकी नहीं होते।
कभी कभी ट्राई करनी चाहिए दूसरे नंबर लाने की, लेकिन आप 60 नंबर लेके आ जाते हैं भाई। हां भाई बहुत डराते हैं, दूसरों के लकी नंबर आपके लिए लकी, आपके लिए लकी हो जाते हैं ना, हो जाए यार। और उसकी मिसाल अभी थोड़ी देर में शायद किसी के तूबा ने मुझे बहुत नंबर्स उनको स्मेल लगा, मुझे घुरिया करा रही है दारिश पता है आज ना, क्योंकि तूबा और हम तीनों जब जा रहे थे तो मैं इनसे बोला था ये वाले नंबर, ये बोला था ये वाले, हमने सोच समझ के मैंने और बासित तूबा को प्रेशराइज किया कि यार तुमने 7 उठाना है okay. और बस ये लकी है, हमने अपना सोच के अब तूबा हम दोनों को घूर रही कि अगर हुए नंबर माइनस तो पूरा राइट है, अगर आप अपनी मर्जी से नहीं लाई और एसएन के कहने पे लाई है नहीं, अपनी तो फिर मर्जी थी मेरी, मर्जी थी शामिल आपकी। चलिए आप अपनी मर्जी से आज 7 नंबर लेकर आ गई जो आपका लकी नंबर था, और मैंने आपसे कहा कि ये लकी नंबर्स हर रोज लकी नहीं होते हैं, लेकिन आज बहुत लकी है। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6, 5, 11 लाख, बहुत आला गाइस, 2 लाख 11 लाख, लेकिन आज के 10 लाख रुपए अभी भी कहीं छुपे हुए हैं। अगर यहां 10 लाख रुपए आपकी पोटली से निकल आते हैं तो 12 लाख रुपए हो जाएंगे इस्लामाबाद ईगल्स के पास, नहीं तो अगर मेरे पास तो 2 लाख भी निकला तो हम फिर भी जीत जाएंगे। अगर निकला तो, अगर निकला तो 2 लाख तो 2 में 2 लाख तो ये कीजिए माइनस में कुछ मारिया के पास अगर 10 भी है ना तो तुम्हारा 12 हो जाएगा ना मारिया, हमारे 11 है। गेम खत्म करो, इतने सस्पेंस की जरूरत नहीं, सस्पेंस की है ना जरूरत, मसला ये है कि किसी पोटली में माइनस है, ये देखो यार अगर माइनस हो गया किसी का तो फिर क्लोज हो जाएगी सिचुएशन, इसलिए जल्दी से काशिफ मारिया जी की पोटली लेकर आइए। मारिया जी लाई थी इस्लामाबाद ईगल्स के लिए पोटली नंबर 9, याद रहे ये गेम 3 पॉइंट्स के लिए है। मैं जल्दी से खोलता हूं, इस वक्त बहुत जरूरत है इस्लामाबाद को अच्छे अमाउंट की, जरूरत तो थी एक बड़े अमाउंट की। मैंने बताया भी था कि 10 लाख रुपए नहीं निकले हैं, मैंने बताया भी था कि 7 लाख रुपए नहीं निकले हैं, लेकिन अभी तक थम भी नहीं निकला था और पकौड़े भी नहीं निकले हैं। आज इस्लामाबाद की किस्मत छाई हुई है, ये लोग उनको ऑप्शन दे दे के खेल रहे हैं कि आप हमारी पोटली ले लीजिए, लाइए 2 लाख रुपए हमें दे दीजिए, लेकिन ये लोग बात सुन नहीं रहे, पता नहीं ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं या किस्मत काट के आया है ना, इनको बात समझने नहीं दे रही है। इस्लामाबाद ईगल्स की कैप्टन अपने लिए पोटली नंबर 9 लेकर आई। अच्छा एक मिनट जी बताइए क्या नंबर था ये, नंबर 9 क्या ये लकी नंबर है, ये दानिश के चेहरे में जो मुस्कुराहट है ओए उसकी मुस्कुराहट पे ना जाना, बड़े लोग बेवकूफ बने इस मुस्कुराहट पे, ओए होए नहीं ज्यादा लोग भी बने, देखा मारिया जी को पता है, देखा मारिया जी को इसलिए पता है क्योंकि शुरुआत ही इनके साथ हुई थी, पहली दफा काम ही इनके साथ किया था। नहीं तो ये तो कह रही हूँ वो गेम के मामले में कह रही है, लोग सस्पेंस और थ्रिलर के अंदर पागल होते जाते, पसीने आ रहे हैं, ऐसे ही है ऐसे ही। आप कुछ ऑप्शन दे रहे जो है ना मुझे, क्या बोली बोली 10, 11, 12 हो जाएंगे, तुम्हारा भी हिसाब मेरी तरह बहुत कमजोर है, कमजोर हम दोनों को इलाज कराना चाहिए, दोनों को हिसाब की क्लासेस लेनी चाहिए हमें इलाज कराना, लेकिन लेकिन मारिया अगर इसमें माइनस हुए 2 में, क्योंकि 2 नंबर मेरा लकी नंबर रही है, आपको आपका लकी नंबर के हम लोगों का किसी का भी लकी नंबर नहीं है, कुछ लोगों को सूट करता है, नहीं तो क्या आप ऑप्शन देना चाह रहे हैं 2 नंबर उनको लेके और 10 मेरा मतलब है ये 9 नंबर लेने का, ये ले पूछ रहे के लिए क्या दानिश, नहीं नहीं मैंने 9 नंबर बोला है कुछ मुंह से, हां मारिया 2 नंबर मेरा लकी नंबर रही है दानिश, आपकी मर्जी है मुझे नहीं पता, आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं, और अगर आप ये सब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होगा, मारिया चाहिए तो मिल जाएगा, मूड पता कि हमारे के लिए आगे चलो यार, मारिया एक्सचेंज करना है, करो एक्सचेंज करना है मारिया, आपने मैं आज एक्सचेंज के मूड में हूं, एक्सचेंज रेट क्या है बिलाल एक्सचेंज करना है उससे क्यों पूछ रहे हो, एक मिनट इनसे ही पूछे मुझे, मैं तो ऐसे ही हूं, क्या वोट हो गया ना बस बिलाल खेल ले, एक्सचेंज करना ही पूछे कह ले, लेकिन आपके ऊपर नाराज अगर नाराज बहू नहीं होती ठीक है, एक्सचेंज करना है नहीं कर ले, नहीं नहीं यार एक्सचेंज कर रहे हैं, दिल बड़ा है तुम्हारे साथ खुश रहते ही रहते हैं, एक बार उन पे नहीं कोई एक्सचेंज हो सकता है, इसमें माइनस हो यार तो मेरी शक्ल का ये ऑफर खत्म, ये दोनों मुझे बहुत लड़ेंगे, अगर माइनस हुए तो फिर अभी तक आप लोग जीत रहे हैं, अभी तक आप लोग जीत रहे हैं क्या, अब एक्सचेंज नहीं करेंगे, बासित का प्लान बना लिया, अच्छा बासित और तूबा की सुनते, चलो बासित ये ऑफर खत्म हो चुका है, पहले हम लोगों ने बोला था बिलाल नाचेगा तो हम लोग देंगे, हां तूबा तूबा की बात तो हम टाल ही नहीं सकते ना कभी, तूबा बताओ नहीं अब नहीं पक्का दे देते यार, तो तूबा को गुस्सा, आखिरी 5 सेकंड है सोचने के लिए, तूबा मुझे घूरती जा रही है आज बहुत के ऐसा, अगर आप गलत नंबर लेके आए तो फिर देखिए क्या होगा, पक्का गाइस मैं दिखा दूं फिर इन्होंने क्या जीता है, चलिए जी पोटली नंबर 9 इस्लामाबाद ईगल्स की कैप्टन मारिया जी लेकर आई थी अपने लिए,
एक स्टेज पे जाके एहसन ने ये सोचा कि क्यों ना ये पोटली एक्सचेंज कर ली जाए और जो दो नंबर एहसन लेकर आए थे वो मारिया जी को दे दी जाए और नौ नंबर एहसन के पास आ जाए, क्योंकि एहसन को लग रहा था बल्कि शायद यकीन था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट इस्लामाबाद ईगल्स के पास नहीं आया है। 3 लाख रुपए आए सिर्फ। क्या ये 3 लाख है यार? आप ब्लंडर मारने वाले थे वैसे। ब्लंडर मारने वाला था, ब्लंडर हो जाता। अगर माइनस था उसमें दो नंबर में, अगर माइनस भी होता है, इस वक्त इनका टोटल अमाउंट हुआ है 5 लाख। आपको हारने के लिए कम से कम माइनस 6 लाख रुपए होने पड़ेंगे। और माइनस 6 नहीं है उसमें, माइनस 5 है या माइनस 10 है। माइनस 10 भी? हाँ। या अल्लाह, वो इन्होंने सबसे बड़ा अमाउंट माइनस में रखा हुआ है। यार भाई इसमें सस्पेंस नहीं डालना भाई, तू जल्दी लाइए 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 भाई, जल्दी खोल दे यार जल्दी। चलिए जी, अब माइनस तो बचा ही नहीं है। आप लोगों ने टोटल जमा किए हैं 5 लाख रुपए। ये लोग वैसे ही, इनके लिए विन विन सिचुएशन है। 6 लाख और 5 लाख, 11 लाख। और पहले ही मुझ पर चाय गिर गई है यार, मेरा ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रहा है यार। यार मैं तो किस्मत में हैरान हो रहा हूँ, अच्छा खासा ऑप्शन दे रहे थे 2 लाख रुपए का, आप वो क्यों वापस नहीं लिया आपने? मैंने नहीं लिया। बाजिद के कहने पे और तूबा के कहने पे, ये झूठ है, ये झूठ। मैंने बोला भी के माइनस 10 लाख रुपए भी है आज। सिस्टम समझ आ गया है। 11 लाख रुपए क्या होता है ये समझ आ गया। बीमारियां क्या बोलो? नहीं 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 नहीं, मैंने बोला वो जो कोड है ना वो ब्रेक कर लिया है। ओके। हाँ, जब ये क्या कह रहा है तो उसका मतलब कहाँ से घुमा रहे हैं? मेरे जो कोड्स हैं वो डीकोड कर रही है, देख रहे हैं आप? मेरे कोड्स डीकोड हो रहे हैं यहाँ पर। दो नंबर मैं बता रहा था आपको, और एहसन के भी कुछ कुछ दिल में आ गया था, कुछ शक था इन्हें कि ये इनका लकी नंबर नहीं है, इसलिए इसमें कोई माइनस का बड़ा अमाउंट जा सकता है। ऐसा ऐसा हो रहा था ना। मैं बताऊं, अगर इसमें कुछ अच्छा निकला तो वो इन दोनों की वजह से होगा, वरना मैं अपनी तरफ से ये दे चुका था तो मेरी टीम को क्रेडिट जाए। नहीं, अगर अगर बुरा निकला तो मेरा कसूर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुरा बस जो भी है, लेकिन वो मेरी चॉइस थी। अच्छा ठीक है, हां ठीक है, हां पूरी दुनिया का। लेकिन मैं हैरान इस बात पे था, कसूर है सारा, मेरा ही कसूर है। तुम लोगों ने अच्छा काम किया, मैंने सिर्फ बुरा काम किया, बस मुझे जेल में डाल देना अगर कुछ बुरा हुआ तो। हाँ, इंसानी जो तुम्हारे अंदर है ना मोहब्बत। मारिया दानिश का शो है, मारिया दानिश का शो है, मारिया दानिश का शो है यार। मारिया मारिया फिल्म भी चल रही, दानिश का शो है। तो दानिश का शो है ना, तुम तो ड्रामा कर रहे हो बीच में यार। मुझे लगता है हमने काफी दिनों से एक्टिंग नहीं की है। दो महीने हो गए इसलिए सभी लॉकडाउन में थे। ठीक है, मेरी सारी हमदर्दी जो है ना वापस जाती जा रही है इससे। अच्छा, हमदर्दी जो आप लोग ऑप्शन नहीं देने वाले? मैं चाहता हूँ इसमें निकले ताकि बजे जोर से। चलो बिलाल आप भी रेडी हो जाओ और बासित आप भी रेडी। अगर इसमें से कोई बड़ी अमाउंट निकली तुम्हारी आवाज आनी चाहिए। नहीं, अगर इसमें से माइनस 10 निकल आया जो मैं अभी दिखाने वाला हूँ तो तुमने भंगड़ा करना है। अगर इसमें बड़ा अमाउंट आपकी जीत के लिए तो फिर जो म्यूजिक बचेगा वो आपके लिए बचेगा। रेडी है लाहौर लेपर्ड्स? रेडी। आपके कहने पे एहसन ने ये डिसीजन लिया है, आप दोनों के कहने पे, वरना कहीं बैक ऑफ द माइंड के जहन में आ गया था इसको चेंज कर लेना चाहिए। एहसन भाई बहुत हमदर्द इंसान है, वो बैक स्टेज भी यही बोलते, दूसरों का ज्यादा सोचते हैं। हाँ ये देखा, वो तो सही है। मैं कह रहा हूँ बैक ऑफ द माइंड इनके जहन में आ गया था कि शायद इस पोटली में कोई ऐसी चीज हो जो मुझे माइनस करवा दे। आप लोगों का ख्याल था तभी बोल रहे थे वो ये बात, मैं यही कह रहा हूँ। लेकिन मारिया जी ने यहाँ से बात नहीं मानी या किस्मत ने इनसे मनवाए नहीं। अब नहीं, मैंने तो मान ली थी, मैं तो खुदकुशी की। नहीं, आपने आपने चेंज एक्सचेंज की थी। मैंने तो कह दिया था ये नहीं माने थे, इन लोगों ने मना कर दिया। भाई बता दे इसके अंदर। बिलाल ने मना किया और बासित ने यहाँ से मना किया। ये टीम इस्लामाबाद ईगल्स की थी, इन्होंने अभी तक सिर्फ 5 लाख रुपए जमा किए थे, 3 और 2। यहाँ लाहौर लेपर्स ने 11 लाख रुपए ऑलरेडी जमा किए हुए थे। इनका अगर 0 भी निकलता है इस वक्त तो ये जीत जाएंगे। मैंने कहा था बस माइनस में कोई बड़ा अमाउंट नहीं निकलना चाहिए। एहसन ने सोचा भी लेकिन उस पर अमल नहीं किया। एहसन बैड लक नहीं, गुड लक। 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए के साथ 11 और 4 15 लाख रुपए और 3 पॉइंट, बहुत आला। क्या बात है यार, मतलब यार म्यूजिक को चलो भाई, 15 लाख रुपए आओ। कैसे करते हैं पंजाबी डांस? तुम्हारे डांस भी मुझे ही करने पड़ते हैं यार, ये तुम लोगों के लिए म्यूजिक है यार ये। क्या है यार? दानिश, दानिश मुझे ये पता है कि बिलाल के अंदर म्यूजिक। एक बात जी, मारिया कितने पॉइंट्स थे अभी, कितने लाख थे मारिया के? 5, 3 और 2, अब छोड़ और ये 4 थे। एक बात सोच रहा हूँ, अगर एक्सचेंज
कर भी लेते तो भी नौ होते, तब भी जीते हुए थे तब भी जीते हुए थे हमारा हिसाब खराब है। मैं बहुत सीरियस लेता हूँ इस बात को। आगे चले, इस रमजान होगा पूरा पाकिस्तान हमारा मेहमान। 6 टीम, 5 सूबे, 1 शहर कश्मीर, 6 सेलिब्रिटी, कॉमेडी गैंग आपको हंसाने और बाजी करने आपके नाम आ रहे हैं खेलने। खुश रहो पाकिस्तान 2020। आपके अपने सूबे की नुमाइंदगी करेंगे हमारे कॉमेडी गैंग। क्या आप तैयार हैं अपनी पसंदीदा टीम को जितवाने? क्योंकि खेलेंगे आप इस रमजान खुश रहो पाकिस्तान 2020। खुश रहो पाकिस्तान 2020 रोजाना सुबह 3 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर।